यहाँ पे सारे जाति के लोग हैं, यहाँ पर किसी के जाति पूछकर जो है इस जुलूस में नहीं लाया गया। आप इस भीड़ में देखिए किस जाति के लोग नहीं हैं, सारे जाति के लोग हैं और सारे सनातनी हैं। पहले सनातनी है उसके बाद कोई जाति है, हम पहले हिंदू हैं उसके बाद मेरा अंतर। उन राजनीतिक दोगलों को सावधान होना पड़ेगा जो हमें बांटने का प्रयास करते हैं, जो निरंतर सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें सावधान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महा। नेपाल से, नेपाल से मेरा नाम राधारमन दास है। मैं इस काली मंदिर के सदगुरु श्री पीठाधीश्वर शंकरनाथ महाराज से 24 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ मैंने 10 महाविद्या का एक युग यानी 12 बरस मैंने यहाँ साधना की है। ये जगह साधना के दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र माना गया है। लोग अपने मन में जो मनोकामना रखते हैं वो सब माँ पूरा करती है। और हमारे नेपाल से बहुत दूर दूर से लोग, नेपाल के कस्बों से, काठमांडू से बहुत से भक्त गुरुदेव के पास पहुँचते हैं और अपनी समस्या का निदान करके जाता है। शोभा यात्रा में भाग लेने का ये अवसर बार बार मुझे मिलता है। हर महाशिवरात्रि में यहाँ आना होता है और जब भी आता हूँ तो यहाँ के जो भी विधि विधान है उसके हिसाब से चलता हूँ। शोभा यात्रा में आने का अनुभव हमेशा से अच्छा रहा है और इस बार कोरोना के बाद जो शोभा यात्रा निकली है इससे मन और प्रफुल्लित है कि महादेव की जो यात्रा नहीं निकल पा रही थी वो इस वर्ष निकल रही है और भक्तगण बड़े धूमधाम से इस यात्रा में फिर से चल रहे हैं। शिव बरात है तो शिव बरात में जैसे सब लोग चलते हैं वैसे हम भी हैं। महादेव, हर हर महादेव। महादेव, हर हर महादेव और पूरे विश्व के सनातनियों को हर हर महादेव। और आज का जो शोभा यात्रा निकाला गया है क्या कहना चाहेंगे? देखिए रक्सौल के आन बान शान और पूज्य संत सेवक संजय नाथ के नेतृत्व में यहाँ पर हजारों सनातनियों की भीड़ रक्सौल नगर में भव्य शिवरात्रि के अवसर पर नगर परिक्रमा कर रही है और लाखों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है जहाँ तक देखेंगे भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई देगा। कुंवारी कन्याएं भी इसमें भाग ली है, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो है इस शिवरात्रि के पावन अवसर पर घर के महिलाएं पुरुषे सभी लोग जो है पूजा करते हैं और यह पूरे विश्व के सनातनियों के लिए एक जो है काफ़ी खुशी का त्यौहार है और पूरे भारत में और विश्व के अनेक क्षेत्रों में जो है शोभा यात्रा के अवसर पे भव्य जुलूस निकाला जाता है। और आप देखेंगे कि आज का जो दिन है, आज का दिन पूरे भगवान शिव के नाम पर समर्पित है और सार लाखों करोड़ों शिव भक्त आज भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए सड़कों पर आए हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह जो दिन है सनातन धर्म के लिए और पूरे दुनिया के लिए एक आकर्षण का दिन है और आनंद का दिन है। सनातन धर्म से लोगों को भटकाने की पूर्ण कोशिश की जा रही है लेकिन बेकार हो रहा है। जितने लोग कोशिश कर रहे हैं उतना ही काफ़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो भीड़ में आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे जाति के लोग हैं, उन्हें कोई बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कारण के यहाँ पर सारे लोग हैं। यहाँ पर किसी के जाति पूछकर जो है इस जुलूस में नहीं लाया गया। लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग हैं सनातन धर्म की शक्ति को कमजोर करने के लिए, सनातन धर्म की एकता को नुकसान पहुंचाने के लिए, छद्म राजनीतिक लाभ के लिए रामायण पे हमारे शास्त्रों पर गलत गलत बात कह के जो है आम हिंदू जनमानस को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। आप इस भीड़ में देखिए किस जाति के लोग नहीं हैं, सारे जाति के लोग हैं और सारे सनातनी हैं। पहले सनातनी है उसके बाद कोई जाति है, हम पहले हिंदू हैं उसके बाद मेरा कोई पहचान है। और यहाँ पर हजारों लोग, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं पूरे विश्व के अनेक क्षेत्रों में करोड़ों हिंदू,
एक साथ, एक झंडे के साथ, एक भक्ति के साथ, एक ईश्वर के सानिध्य में सड़कों पर है, मंदिरों में है। कोई जातिवाद नहीं है, कहीं आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ उनको है जो जहर फैलाकर कुर्सी लेना चाहते हैं, जो समाज को बांटकर राजनीति फायदा उठाना चाहते हैं। कष्ट उनको है, परेशानी उन्हें है। हमारे सनातन धर्म में ना कभी भेदभाव था, ना छुआछूत थी, ना कोई विभेदकारी समस्या है। वे लोग जो है यह भीड़ देखकर उन राजनीतिक दोगलों को सावधान होना पड़ेगा जो हमें बांटने का प्रयास करते हैं, जो निरंतर सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें सावधान होने की जरूरत है। ये हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल, हर हर महादेव। पूरे विश्व के हिंदू भाइयों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।